अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर हेलो करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि घर पर साड़ी कैसे बनाते हैं और उसको डिजाइन कैसे करते हैं। मैंने ये एक साड़ी ली है, जो ये मेरी साड़ी थी ये प्लेन पीस था, और इस पर मैंने जो ये बॉर्डर लगाया है ये घर पर ही लगाया है। बारीक, इस तरह से बारीक पट्टी वाला बॉर्डर लगाया है मैंने। जो बॉर्डर था वो मैंने बॉर्डर लिया था 8.5 मीटर, और जो साड़ी थी मेरी वो थी 5.5 मीटर। मैंने इस पे बॉर्डर लगा लिया है, और बॉर्डर मैंने किस तरह से लगाया है आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारी साड़ी वाली वीडियो डाल रखी हैं। आज सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि साड़ी को मोतियों और पैच से कैसे डिज़ाइन करते हैं। मैंने दो पैच लिए हैं जिनको मैं, और जो डिज़ाइन करना है वो मुझे इसका पल्लू पल्लू ही डिज़ाइन करना है। पल्लू की जो दोनों ये कॉर्नर होते हैं उस पर हम ये दोनों फ्लावर लगाएंगे, जो ये पैच लिए हैं मैंने इस तरह से। और ये एक इधर की साइड में जो ये मोती है वो हम सिर्फ पल्लू के, जैसे मेरा पल्लू 2 मीटर का मतलब 2 मीटर का होता है बॉर्डर, जहाँ से हम बॉर्डर लगाना शुरू करते हैं तो 2 मीटर पे बॉर्डर लगाना शुरू करते हैं इस तरह से। तो जो हम 2 मीटर में से हम सिर्फ जो मोती लगाएंगे सिर्फ 1 मीटर ही पल्लू पर ही लगाएंगे, वो इस तरह से हम देख लेंगे। इसको पल्लू, यहाँ तक पल्लू है 2 मीटर का, इसको इस तरह से डबल कर लेंगे, और डबल करने के बाद 2 मीटर पर हम मार्क लगा देंगे। 2 मीटर पर इस तरह से निशान लगा देंगे, और ये निशान दोनों साइडों में लगाएंगे, इधर की साइड में भी लगाएंगे हम। जो साड़ी है वो हमारी बहुत ही सुंदर साड़ी बनी है। जो हम ये पैच लेते हैं वो बॉर्डर से थोड़ा मिलता जुलता ही हमें लेना चाहिए, साड़ी से भी और बॉर्डर से भी मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। अभी लगाना किस तरह से, मैं इसको सुई से ही लगाऊंगी। अब जो सारा जो हमें इसमें साड़ी में वर्क करना है वो सुई से ही होगा, जो मोती है वे भी सुई से ही लगेंगे, क्योंकि जो मशीन का काम था वो हमने इस पर पहले से ही कर लिया है। इस तरह से हम ये लेंगे, और जहां हमें ये पैच लगाना है वहां पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसको कस लेंगे। इससे है, ये है, जब ये हमारा हम पैच लगाएंगे इसमें तो ये फिसलेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। ये सुई में मैंने धागा डाल लिया है, इसको टाइट ही रखना है। इस तरह से इसको चारों साइड से चारों तरफ सिल लेंगे। ये मैंने लगा लिया है, इसी तरह से हम ये दूसरा भी इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए,
देखो ये दूसरा भी पल्लू की साइड पे ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने इधर वाला लगाया था। जो मैंने पैच थे वे दोनों लगा लिए हैं दोनों कॉर्नर पर, और मैंने इसमें मोती भी लगा लिए हैं। मोती किस तरह से लगाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से साड़ी के पल्लू को रखना है और इंच टेप से इस तरह से जैसे मैंने 7 इंच पर निशान लगाया था और 7 इंच पर ही यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर इसी तरह से 7 इंच पर यहाँ पर इस तरह से सारे में मैंने इस तरह से एक लाइन मतलब इस तरह से निशान लगा दिए थे। फिर उसके ही इस तरह से 5 इंच की दूरी पर इस तरह से दूसरा निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने निशान लगा के ये मोती लगाया था तो यहाँ इसकी साइड बिल्कुल सीध में साइड ये और इसकी सीध में ये सारे ही इसी तरह से लगाए हैं। ये देखिए जैसे पल्लू हमारा 2 मीटर का होता है तो 2 मीटर पे मैंने 1 मीटर पे ही 1 मीटर पल्लू पर ही ये मोती लगाए हैं। चाहे आप 2 मीटर पे भी लगा सकते हो और पर हम पूरी साड़ी पर नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर मोती चुभने लगते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। सारे ही मोती इस तरह से हमें लगाने हैं इस तरह से इंच टेप से इस तरह से। चाहे आप इसके सीध में भी लगा सकते हो इस तरह से। इस तरह सारे में लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा के साड़ी में लगा देंगे हम मोती। और अब मैं बताती हूँ कि लगाने किस तरह से हैं। जैसे हमारी कॉफी कलर की जिस कलर की भी आपकी साड़ी होगी आप उसी कलर का सुई में धागा डालना। इस तरह से हम मोती लेंगे सुई में डालेंगे। और इस तरह से ये देखिए ध्यान से इस तरह से क्योंकि आजकल मोती चलन में है। आपने देखे होंगे दुपट्टे साड़ियाँ अधिकतर सभी में मोती लगे हुए आते हैं। अभी काफ़ी महंगे होते हैं। इस तरह से इसके इसमें डालेंगे। हमें 2 बार इस तरह से करना है और इस तरह से हम यहाँ एक गांठ लगाएंगे सुई द्वारा ही। अब इसको काट लेंगे। ये इस तरह से मैंने मोती लगा लिया है। इसी तरह से आप निशान लगा के हम जो निशान लगाएंगे यहाँ से लगाते हुए पहले ये सारे निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद ये निशान लगाएंगे ये मोती लगा के फिर यहाँ निशान लगा के तब मोती लगाएंगे। ये बिल्कुल इसके ही बिल्कुल शीर में रहेंगे। जैसे ये मेरी लाइन पूरी हो गई है अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से
फिर मोती के अंदर डालेंगे सुई को, और फिर इस तरह से जो धागा है धागे में ही हम सुई को डालेंगे उल्टी साइड से, और इस तरह से। चाहे तो आप ये मोती फ्रॉक में भी लगा सकते हो इस तरह से। मैंने एक अपनी बच्ची का फ्रॉक बनाया है, मैंने उसमें भी इसी तरह से मोती लगाए हैं। ये इस तरह से आप इसी तरह से साड़ी में मोती लगा सकते हो और साड़ी को डिजाइन कर सकते हो। देखिए कितनी प्यारी मेरी साड़ी बनी है। मैं इसी तरह से सारे में जैसे मैंने मोती लगाए हैं, मैं 2 मीटर पूरी साड़ी में, चाहे आप एक में लगा सकते हो चाहे 2 में, मैं 1.5 मीटर में ही ये मोती लगाऊंगी। इसी तरह से सारे मोती लगाने हैं। ये इस तरह से मैंने सारे में लगा लिए हैं जितने में मुझे लगाने थे। अब ये देखिए कितनी प्यारी और सुंदर हमारी साड़ी बनी है। इस तरह से आप घर पर सुंदर साड़ी डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, और पैच लगा के उसे और भी बढ़िया सुंदर बना सकते हो। ये देखिए मैंने फ्रॉक में इस तरह से मोती लगाए थे। फ्रॉक मैंने घर पर ही बनाई है और इस तरह से इसमें ये मोती सब हाथ से ही लगाए हैं। हमारी फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी यह साड़ी और यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय।